सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आप लोग देख सकते हैं ये है गाड़ी, इसका हम पूरा ओनरशिप रिव्यू बनाएंगे कि 2020 की गाड़ी, 2023 चल रहा है, 2020 दिसंबर की गाड़ी है। अप्रोक्स देखा जाए तो 2.5 साल के आसपास हो चुका है, 2.5 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। ठीक है, ये गाड़ी का लगभग 60,900 समथिंग चल चुकी है, 62 ऐसे अप्रोक्स चल चुकी है, और अभी ये सेल आउट के लिए है। ठीक है, ये उस समय का टॉप मॉडल GT लाइन वेरिएंट है पेट्रोल में, आप तो देख सकते हैं GT लाइन TGDI इंजन के साथ जो आता था। ये 998cc का सिंगल 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन, जो डायरेक्ट गैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन था इनका टर्बो। ठीक है, ये ऐसे कुछ गाड़ी है, वाइट कलर में आप देख सकते हैं, HR नंबर गाड़ी है ये, हमारे ऑफिस में ही हमारे एक सर है उनकी गाड़ी है। वैसे ये सेल आउट के लिए अभी आई हुई है, वो भी इसलिए आई हुई है क्योंकि हमारे सर हमें छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं किसी अपने कारण की वजह से या अपना जो भी है, तो इसलिए ये गाड़ी है। आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत ही बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत मेंटेन रख रही है, और दो थोड़ा बहुत तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा है। अब दिल्ली गुड़गांव में अगर गाड़ी चलानी है तो थोड़ा बहुत तो स्क्रैच गाड़ी में रहेंगे ही रहेंगे, आप उसको बिल्कुल ही टिच नहीं सकते। अब जैसे ये है, यहाँ पे भी हल्का फुल्का है और पूरी गाड़ी साफ़ है। ठीक है, इतना तो आपको हर जगह हर गाड़ी में मिलेगा, और बाकी देख सकते हैं 60-61 2000 के हिसाब से आपके टायर्स भी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ देख सकते हैं। अभी भी कितनी थ्रेडिंग बची हुई है, अच्छी खासी थ्रेडिंग बची हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं अंदर, ये अंदर मार्किंग है, तो ये मार्किंग होती है ना, ये भी अभी बहुत बची हुई है, मतलब अभी भी ये 20-25 किलोमीटर आराम से ही टायर चल जाएंगे, मतलब कितने ही नीटली इस गाड़ी को चलाया गया है। इस तरफ भी देख सकते हैं आप, अच्छा खासा ग्रिप्स बचे हुए हैं, और अगर मैं अब अंदर ही तरफ चल पीछे की तरफ, तो यहाँ पे भी अच्छे खासे ग्रिप्स बचे हुए हैं, इसमें तो बहुत ही अच्छे बचे हुए आगे के हिसाब से। ठीक है, ये देख सकते हैं, और जो टायर आता है वो अपोलो का आता है, आप देख सकते हैं अपोलो का टायर कौन सा है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड करके कोई टायर है इनका, अपोलो वाले ने कोई लिमिटेड एडिशन शायद लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये टायर है अपना, और 2160R16 टायर्स है, एडल टायर्स है। ठीक है, अपने आगे भी वही लगे हुए हैं, बट आगे नाम चेंज करके LNEC 4G है वो लिखा हुआ है, वो भी वही है टायर मतलब, बट ये है कि उसमें कुछ लिमिटेशन करके लिख रखा है। बाकी ऐसे से कुछ गाड़ी है 60,000 किलोमीटर का, जो इसका पूरा का पूरा, क्योंकि गाड़ी दिल्ली में गुड़गांव नोएडा ये तो ये चलती ही चलती थी, क्योंकि सर रहते गुड़गांव में है, हमारे जो एक ऑफिस है जो मेन ऑफिस है वो है नोएडा में, और जो हमारा ब्रांच ऑफिस है वो हमारा अपना पड़ता है द्वारका में, तो ये तीनों मतलब दिल्ली NCR में जो तीन जगह है मेन, वो तीनों जगह ही रो मतलब डेली बेसिस में चलती चलती है, वीक में 5 डेज तो। ठीक है, बाकी मीटिंग्स वगैरह सर की, और दिल्ली से बाहर भी कभी जाना हुआ तो वो गई है। तो अब सर से पूछते हैं कि क्या क्या खर्चा अभी तक किया है सर ने, एक्सेसरीज में क्या खर्चा किया है नहीं किया है, क्योंकि देखा सर हम लोग अगर कोई गाड़ी लेते हैं तो मेनली जो खर्चा आता है, क्योंकि मैं भी अगर हूँ टॉप मॉडल लूँ अगर जैसे नॉर्मल मारुति वगैरह का, तो मुझे इसके स्पीकर्स वगैरह पसंद नहीं है, बट इसमें बोस लगे हुए हैं, तो सर से सारा एक्सपीरियंस पूछते हैं, फिर आपको शेयर करते हैं कि इसमें क्योंकि कैसा रहा नहीं रहा सारा एक्सपीरियंस गाड़ी का अभी तक का, 62,000 63,000 जितने भी कंपनी अभी तक इन्होंने चलाया 2.5 साल के अंदर, सारा एक्सपीरियंस देते हैं। बाकी ये सेवन स्पीड DCT के साथ आता है, गाड़ी चलाने का टाइम तो अभी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सर जाने वाला सर का जाना ही है, और तो गाड़ी सेल आउट करने के लिए Cars 24 वगैरह अपना OLS वगैरह इन सबको भी बोल रखा है। तो बाकी अब सर से मिलते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं और क्या क्या फीचर्स आते हैं उस समय में आपको सारे दिखाते हैं। सर मिलते हैं सर से, ये सर हमारे, ये इनका नाम अंकित, ये इन गाड़ी के ऑनर है, कैसे हैं सर? ऑल गुड आते हैं। तो सर अब मैं जस्ट थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, थोड़ा सा आपको परेशान करूंगा, मैं जस्ट इतना मेरा मेन क्वेश्चन रहेगा कि अगर आप आज के टाइम पे ये गाड़ी किसी को लेनी हो सजेस्ट करोगे? बिल्कुल। उसकी 5 रीजन बता दो। गाड़ी सबसे अच्छी चीज, गाड़ी में 2-3 फीचर्स जो मुझे लगते हैं कि इस सेगमेंट की गाड़ी में अगर मैं कंपेयर करूं तो वो मुझे बाकी गाड़ियों में नहीं मिलेंगे, जैसे कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं फॉर फ्रंट, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं पूरी जी, यहाँ पे से आपके स्विच भी मिल जाते हैं दोनों तरफ जी हाँ। और बेस्ट इसका सेकेंड एक ही मेन जो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट लगा, जैसे जो मुझे वेन्यू में नहीं दिखा या फिर टाटा में नहीं दिखा, इवन महिंद्रा में नहीं दिखा, वो है इसमें आगे भी सेंसर्स थे गाड़ी में, पार्किंग सेंसर्स, जो कि बाकी किसी सेगमेंट में, इस गाड़ी के सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं है।
तो इसमें मुझे रियर के साथ साथ फ्रंट सेंसर्स भी मिलते हैं जिसकी वजह से पार्किंग और ज्यादा मेरे लिए इजी पार्किंग होगी, डे टू डे ट्रैफिक होगी सब में जी, बहुत इजी पड़ता है बिल्कुल। और मेन बहुत अच्छी चीज मेरे को आई थिंक मेरे को ये लगी कि ये गाड़ी जब मैंने ली थी, ठीक है ये टॉप लाइन है तो थोड़ा सा महंगी है, बाकी सभी सेगमेंट से ये एक से सवा लाख रुपए भी महंगी है आई थिंक, अगर मैं वेन्यू की भी बात करता हूँ क्योंकि मैंने भी काफी कंपैरिजंस करे थे जब मैं ये गाड़ी ले रहा था, बट अल्टीमेटली आई थिंक इट इज वर्थ यू नो द अमाउंट दैट आई स्पेंड बिकॉज इसमें बोस के स्पीकर्स हैं, साउंड इज अमेजिंग। मैं गाड़ी लेकर के आया हूँ और उसके बाद से आज तलक तक मैंने इस पे एक्सेसरीज या फिर और कोई ऐसा कोई खर्चा मैंने नहीं करा है। गाड़ी सर्विस में गई है किया में, मेरी आई थिंक वो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं बट आई मेंटेन इट यू नो एट द शोरूम इटसेल्फ। सारी सर्विसेज मतलब शोरूम से हुई है आपकी? जी बिल्कुल, मैंने इसको कभी भी बाहर इसका कोई भी काम नहीं कराता हूँ मैं। माइलेज अच्छी है गाड़ी की, लेकिन माइलेज मैं ये बोलूंगा कि वो अगेन इट्स अ इंडिविजुअल रनिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनकी ये कंप्लेंट्स मैंने सुनी है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में 10 से 11 से ऊपर एवरेज नहीं आती है। हाँ ठीक है मेरा हाईवे का रन ज्यादा है बट स्टिल अगर मैं लोकल की भी बात करूँ तो मैंने इसमें 13 की भी एवरेज निकाली है, मैंने इसमें 17 की भी एवरेज निकाली है। ऑन लॉन्गर रूट्स लाइक जयपुर चंडीगढ़ मैंने इसकी 19-20 की भी एवरेज। वो क्या उसमें एवरेज स्पीड रही होगी आपकी? एवरेज स्पीड वाज 80, 82, 85, 75 से 85 के बीच में। अच्छी चीज ये है क्रूज कंट्रोल है आज तो उस समय तो शायद 80-85 में तो टर्बो रेंज के अंदर ही रहती होगी, टर्बो तो स्पूल भी नहीं करता होगा उसका। जी बिल्कुल टर्बो रेंज के अंदर रही तो फिर माइलेज तो ऑब्वियसली देनी देनी चाहिए। एग्जैक्टली तो ये 7 स्पीड में तो मेरे ख्याल 80-85 में मेरे ख्याल 2,500 आरपीएम पे रहती होगी। हां जी बिल्कुल सही। तो अच्छी चीज ये थी कि क्रूज कंट्रोल की वजह से एंड आई थिंक आजकल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी बहुत बेहतर होने लगा है, तो एक्सपीरियंस अगर आप बात करें एक अच्छे ड्राइव की और एक लॉन्ग ड्राइव की तो काफी अच्छा रहा मेरा। ओके तो बाकी अभी अगर मैं बोलता हूँ उस समय आपने कौन कौन सी इसमें प्रेफरेंस रखी थी इसको लेने से पहले, मतलब आपकी लिस्ट में क्या क्या थे? मेरी लिस्ट में इसके कंपैरिजन में केवल एक ही मैंने फिर बॉयल डाउन किया था, या तो मैं ये लेता और या फिर मैं लेता हुंडई की वेन्यू। बट कुछ एक स्पेसिफिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया इसका साउंड सिस्टम बोस का है। साउंड सिस्टम तो वेन्यू में शायद बोस का ही आता है? जी नहीं, उसमें JBL का है और दोनों का साउंड ऑब्वियसली काफी फर्क है। फर्क है। और अदर देन दैट आई थिंक इसका जो स्क्रीन लेआउट है, जो ओवरऑल आपका डैश का लेआउट है वो बहुत बेहतर है वेन्यू से। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो डैश का है वो बहुत साफ एकदम क्लीन। यहाँ पर जो इन्होंने मैट का काम दिया है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बात करूँ पूरा का पूरा डैश और स्क्रीन जो इन्फोटेनमेंट है वो एग्जैक्टली रेप्लिका है सेल्टोस की। तो जबकि आपको क्रेटा और जो हमारा वेन्यू का वर्जन है उसमें दोनों अलग अलग दिखते हैं। बिल्कुल। सो ये छोटी छोटी चीजें थी जिसकी वजह से मतलब फिर आपने नेक्सोन वगैरह या XUV 300 भी उस समय आ रही थी। XUV 300 गाड़ी बहुत अच्छी है, काफी पकड़ है रोड पर चलाने के टाइम पर, लेकिन मुझे हमेशा से ये लगा है कि महिंद्रा का एक्सपीरियंस जो डीजल व्हीकल है उसका बहुत फार फार बेटर है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। एंड सेकेंडली XUV 300 में इंटरनल स्पेस कैबिन स्पेस जो है वो तो ठीक है लेकिन उसका बूट स्पेस लॉन्गर ड्राइव्स के लिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेकार है, बहुत छोटा है। बहुत सारे लोग इसीलिए छोड़ देते हैं उसको। जी और आदित्य मैं सच बताऊं नेक्सोन एक अच्छा व्हीकल है लेकिन मुझे नेक्सोन में और एक अच्छी यू नो हैचबैक जिसकी एक ठीक ठाक हाइट हो जैसे कि क्विड या फिर मेरे पास उस समय ग्रैंड आइटन थी जब मैं नेक्सोन का एक मैंने टेस्ट ड्राइव लिया एंड
ट्रस्ट मी, जब मेरे को नेक्सॉन में एक ही खराबी क्या लगी कि नेक्सॉन की हाइट और ग्रैंड आइटिन की हाइट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। और ये गाड़ी की हाइट में, गाड़ी की हाइट में सीरियसली जी, मैंने दोनों गाड़ियां, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली ग्रैंड आइटिन थी और मैं टेस्ट ड्राइव के लिए जब नेक्सॉन लेकर के गया तो दोनों आजू बाजू खड़ी थी, तो मुझे लगा कि मैं आई थिंक आई एम नॉट शिफ्टिंग मच फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज आफ्टर ग्रैंड मैंने एक कुछ समय के लिए ऑटोमेटिक वरना भी रखी है। तो अगर मैं बात करूं कि क्यों नहीं नेक्सॉन, तो आई थिंक मेरे लिए वो शिफ्टिंग एक्सपीरियंस जो एक वो दिल की सेटिस्फेक्शन होती है वो नहीं मिल पा रही थी। मैं हैचबैक से लेट्स से आई एम मूविंग इनटू एन एमयूवी सेक्टर, एसयूवी सेक्टर, एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी कह सकते हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे नेक्सॉन में नहीं मिली। प्लस नेक्सॉन में मेरे को एक छोटा सा और इशू था, उसका मेरे को जो डैश का लेआउट था वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा, उसमें काफी प्लास्टिक का यूज ज्यादा, हाँ उसमें यहाँ पे पूरा बनाने की कोशिश किया है ना उनको, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो आई थिंक इसका जो फील है गियर गियर बॉक्स का, इसका जो ब्रेक्स का फील है, इट्स मोर स्पोर्टी। हाँ जीटी लाइन लिया ना आपने इसीलिए? जी हाँ बिल्कुल। सो इट्स मोर स्पोर्टी, इट्स फार मोर बेटर, ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑन द रोड इज ग्रेट। आई थिंक जो पकड़ है गाड़ी की रोड पर, इवन एट you know, I've tried jumping till 165, 170, but there was no shivering at all. So it's fantastic. ये अपना, क्योंकि मैंने जितना सुना है और पहले Hyundai और किया तो भी आई है, Hyundai गाड़ी चलाई है और किया में भी वही स्टेयरिंग व्हील यूज हो रहा है, स्टेयरिंग का कॉलम वगैरह, तो उसमें पहले बोट कहा जाता था। जी ये चीज सेल्टोस में अच्छा किया था उन्होंने, यहाँ पे ना एक अपना स्टीयरिंग का स्पोर्ट्स मोड दिया हुआ जिससे स्टीयरिंग हैवी हो जाता है। हाँ जी, बट सोनेट में नहीं है, तो वो चीज नहीं था कि आप 160 या 165 पे चला रहे हैं एंड देन स्टीयरिंग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा कुछ फील हुआ था कभी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टीयरिंग की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई। और जहाँ आपने मोड की बात करी, सोनेट के जीटी लाइन में सारे मोड अवेलेबल है। एज यू कैन सी हियर वी हैव अ ड्राइव मोड विद शिफ्ट्स टू स्पोर्ट, नॉर्मल एंड इको मोड। इसी के साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, जगह अगर आप स्नो और मड एंड सैंड में गाड़ी लेकर के जाते हैं तो भी आपको मनोवरिंग थोड़ा सा काफी बेहतर एक्सपीरियंस होता है। नहीं वो मैं वो तो चलिए ट्रैक्शन कंट्रोल के बेसिस पे आपको ये सब ड्राइव कंट्रोल्स और ट्रैक्शन मिल जाता है। हाँ, लेकिन बट इंडिया में आपको चलाते हुए इतना ज्यादा यूज नहीं है। हाँ, वैसे भी मड और स्नो में अगर आपके पास 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव नहीं है तो वैसे भी गाड़ी फंसी सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपने नेक्सॉन साइज के वजह से, बट ये मेरे ख्याल नेक्सॉन से हाइट में ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है, शायद इक्वली हाइट है दोनों की। नहीं, इसमें फर्क है, इसमें थोड़ा सा आई थिंक ये ज्यादा ऊंची है। ऊंची है वेन्यू और सोनेट इज मोर एग्जैक्टली सिमिलर, शायद आई थिंक कर्ब वेट का थोड़ा कुछ एक 19-20 का डिफरेंस है, अदरवाइज जो पूरी सेगमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ जी। और एक मेरे को ये था कि जैसे इसमें सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज कभी लगी, क्योंकि नेक्सॉन 5-स्टार लेके आई, इसका तो शायद अभी तक हुआ ही नहीं है। सेल्टोस भी 3-स्टार ही, वो भी बहुत मरे से मरा 3-स्टार लेके आई, और क्रेटा भी मरे से मरे 3-स्टार लेके आई, नहीं तो अगर 0.0 समथिंग अगर कम होता तो वो भी 2-स्टार लेके आते दोनों। तो इसमें ये चीज कभी फील हुआ नहीं? मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि सी जीटी लाइन में आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, व्हिच इज अनदर सेफ्टी मेजर। अब नहीं वो जो हाँ, अगर मैं जिस तरीके से आज आप 60,000 चलने के बाद भी जो गाड़ी का थर्ड है अगर हाँ, आप वो फील करेंगे, आप ये समझ सकते हैं कि गाड़ी में काफी लोहा यूज हुआ है और काफी हैवी है इसके डोर्स वगैरह, इसका बोनेट, जिसकी वजह से ये गाड़ी में ऐसा कभी भी नहीं लगा कि ये गाड़ी की अगर कभी एक्सीडेंट होगा तो ये बहुत ज्यादा डैमेज होगा गाड़ी के ऊपर। लेकिन भगवान की दया से मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं पिछले 2.5-3 साल में कभी। हाँ, सेफ्टी पर्सपेक्टिव से आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में कोई दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि 5-स्टार जो नेक्सॉन लेके आई थी वो उसमें सिर्फ 2 ही एयरबैग्स थे जी, इसमें 6 हैं। और जो क्रेटा और सेल्टोस टेस्ट हुई थी वो शायद उनमें भी 6 एयरबैग्स थे, वो फिर भी मुश्किल से 3 लेके आई थी जी।
तो थोड़ा मुझे क्योंकि क्रिया मैं मारुति और हुंडई में ये तो रहता है थोड़ा, जर्मन में चले जाओ, इंडियन में चले जाओ या अपना जो भी है उन सब गाड़ियों में जाओगे आपको तो उसमें सेफ्टी थोड़ी ज्यादा मिलती है जी। बाकी इसका इंजन तो स्मूथ है, हुंडई का इंजन सबको पता है स्मूथ है, 7 स्पीड DCT। कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? अगर मुझे एक शब्द में अपना एक्सपीरियंस बताना हो तो मैं केवल ही एक ही शब्द कहूंगा, मेस्मराइजिंग। आई हैव नेवर फेल्ट दैट आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन और एनीथिंग लाइक दैट। इट्स अ ग्रेट चॉइस। गाड़ी जब मैंने ली थी, अनलेस आपके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, ना मैंने उस टाइम कोई एक्सेसरीज पे खर्चा किया है, एंड आई थिंक आज भी अब मेरे को ये सेल करने का टाइम आ गया है। आज भी ये गाड़ी जाती है तो अदर देन द ब्रूजेस आई डोंट थिंक सो कि इस गाड़ी में आज की तारीख में भी कोई खर्चा है। और मतलब अब मैं एक चीज़ में पूछ रहा था, आप जैसे ये DCT है, स्टार्टिंग में बहुत कंप्लेंट्स आई थी जब DCT लॉन्च किया गया था, और ये अपना वेन्यू सोनेट और इन सब के साथ और ये अपना सेल्टोस और क्रेटा के साथ ही मेनली लॉन्च किया गया था जी। तब इसमें बहुत इश्यूज आ रहे थे आपके हीटिंग के ट्रैफिक में, ऐसा कुछ आपने कभी फील किया? नहीं, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी हीट अप अननेसेसरीली हो रही है। गियरबॉक्स हीट अप जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। इसमें आया हो कि गियरबॉक्स हीट अप हो रहा है या कुछ ऐसा? कभी भी मीटर में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे। रादर ट्रैफिक गुड़गांव हाईवे काफी समय से और ट्रैफिक का एक मेन स्रोत रहा है, और मेरा क्योंकि जाना आना जाना गुड़गांव से नोएडा होता था, तो मैंने काफी गाड़ी चलाई और काफी अटका भी हूँ ट्रैफिक्स में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस में पिछले 2.5 साल के अंदर मैंने कभी भी नहीं देखा कि ओवर हीट हो रही है या इसमें कोई कूलिंग में इशू आ रहा है फॉर दैट मैटर। आज भी गाड़ी का जो कूलिंग है वो बहुत बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है, चलो बहुत बढ़िया है। मतलब अगर मैं लास्ट इसको वीडियो खत्म करते बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। मैं एक चीज बोलूंगा आपको, इसमें नेगेटिव्स क्या? आपने पॉजिटिव्स तो दुनिया भर की बता दी, नेगेटिव्स पे कुछ ना कुछ फील की होंगी। इसमें एक मेन नेगेटिव आदित्य एक है जो मुझे काफी हद तक लगा कि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन और हो सकता था। गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो वेन्यू से बढ़ाने के लिए जो गाड़ी का रियर सीट है, अच्छा, उसमें हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। एक सेकेंड, अब सर की हाइट मेरे ख्याल 6'2" है। हाँ जी 6'2" है, तो 6'2" के बाद तो शायद मैं भी नहीं बैठ पाऊंगा। 5'8" हूँ मैं, 5'10" हूँ, सॉरी मैं भी नहीं बैठ पाऊंगा। नहीं ये तो है, ये मेरा नेगेटिव ड्रॉबैक। एक मिनट आगे आ जाता हूँ। हाँ। गाड़ी में ये एक थोड़ा सा नेगेटिव ड्रॉबैक है कि अगर आपकी हाइट, बट आई थिंक उसके लिए भी मेरा, अगर मैं किया से बात करूँ और मैं किया का सेल्स पर्सन हूँ तो मैं कहूँगा कि एक एवरेज इंडियन की हाइट जो है वो समवेयर क्लोज टू 5'7" 5'9" के बीच में फॉल करती है, जिसके पास काफी जगह होगी गाड़ी को आगे, अपना सीट को आगे करके गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन हाँ, लंबे लोगों के लिए अगर दो लोग लंबे आगे बैठ जाएंगे तो गाड़ी में पीछे स्पेस कम है, ठीक है। और मुझे एक लगा कि इसमें इतने पैसे लगाने के बाद भी रेन सेंसिंग वाइपर नहीं आते। इसमें दो चीजें नहीं है, रादर एक रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है और इनफैक्ट नहीं, एक ही है, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है। और दूसरा आदित्य मैं ये कहूंगा कि अगर आप 15 लाख रुपए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में खर्च करते हैं तो आपको एक बेनिफिट और दिया जा सकता था, विच इज 360 डिग्री कैमरा। वो तो किसी में भी नहीं आता, जो कि किसी में भी नहीं आता। लेकिन ग्रैंड विटारा और विटारा ब्रेजा में दिया है, लेकिन उसका कॉस्टिंग जो है वो काफी ऊपर है। वो तो अब खैर अभी की गाड़ी है, अभी तो सोनेट भी महंगी हो गई, 17.5-18 के आसपास हो गई है। 17.5-17 के आसपास जो उसका लोडेड गाड़ी है वैसे, अदरवाइज आई थिंक रेन सेंसिंग वाइपर्स और 360 डिग्री कैमरास को छोड़े तो इसमें काफी फीचर्स हैं। ऑटो क्लाइमेट है, यहाँ पर जो सीट्स है वो वेंटिलेटेड है, मिलता है एयर प्यूरिफायर, मिल जाता है इसमें, इंटीग्रेटेड है रादर देन जस्ट लाइक जैसे कि वेन्यू में मैनुअल मिलता है हमें। हाँ, ये यहाँ से आती है आपकी हवाएं दे सकते हैं जी बिल्कुल, और यहाँ पे दिखाता है इसका AQI लेवल। इसमें AQI लेवल काफी अच्छा रहता है। वेन्यू में आपके पास सनग्लास होल्डर नहीं है। अगर मैं बात करूँ रियर व्यू मिरर की तो उसमें ऑटो डिमिंग नहीं है, वो एक प्लेन उस समय नहीं था, अब तो आ गया है।
अच्छा अब आ गया, अब नए जो वेरिएंट है ना इसमें, आई थिंक इसमें कूल बॉक्स नहीं है, जो कि इसमें कूल ब्लॉक्स, अच्छा कूल ग्लव बॉक्स नहीं आता इसमें, कूल ग्लव बॉक्स। और ये भी कुछ ज्यादा बड़ा स्पाइस नहीं है जहाँ तक है, इसमें भी ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं है जी, लेकिन ये ऑलमोस्ट आई थिंक दिस इज लाइक इक्वल टू और मे बी लार्जर देन व्हाट वी हैव इन मेन्यू। और स्लाइडिंग भी नहीं है, स्लाइड नहीं होता, एक जगह पे है। बट एक चीज मुझे अभी फील हुई थी थोड़ी देर पहले ही कि सर जैसे बैठे हुए ना, तो ये और ये जैसे सर अगर यहाँ पे बैठे हैं तो ये सीट और इसके बीच का गैप इतना ही कम है कि गाड़ी चलते हुए थोड़ी हिलेगी या गड्ढे वड्ढे में जाएगी तो चर 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 करता रहता है इसका लेदर और इसका लेदर। जी हाँ, ये दोनों आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से आवाज आती है, लेदर का वॉइस जो है वो आता है। तो बाकी अभी भी रिकमेंड करेंगे? मैं 100% रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छी गाड़ी है, ऊंची दिखती है, आपका पूरा रोड व्यू जो है वो काफी क्लियर है, गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा। ये कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो अगर एड ऑन हो जाते तो आई थिंक इसको शायद बीट करने वाला कोई और होता ही नहीं है सेगमेंट में। अभी तक आपका जो सर कितनी सर्विस हो गई होंगी, मेरे ख्याल 60,000 चल गई है ना, 60,000 आप दे सकते हैं, 60,995 चल चुकी है जी, तो इतने मेरे ख्याल अभी तक 7 सर्विसेज हो गई होंगी। जी हाँ, मेरी इसमें अराउंड 8 सर्विसेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। अच्छा 8 हो गए। हाँ क्योंकि बट ऑफ कोर्स है रनिंग ज्यादा है मेरी, तो फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा है, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दैट वी नीड द सर्विस टू बी डन एवरी आई वुड से 6 मंथ्स। ओके, तो मतलब आपने क्या एवरेज सर्विस कॉस्ट आता होगा इसमें भी? See, Kia का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक दे हैव अ पैकेज विच सर्व्स यू टू सर्विसेज इन एन अमाउंट ऑफ 11,000 और 14,000, आई डोंट रिकॉल दैट, बट आई थिंक जहां तक सर्विस की बात है मैंने केवल इस पर अभी तक 2,500 रुपए खर्च मैक्सिमम जी, ये टोटल, ये टोटल की बात, इन टोटल, इन टोटल 2.5 साल में 2,500 रुपए। हाँ ठीक है, क्योंकि आप जहाँ पे बोल रहे हो 7-8 सर्विस करा चुके हो आप, हाँ तो उसके हिसाब से तो 28,000 ठीक है जी, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप डीजल पे क्यों नहीं गया जब आपको इतनी रनिंग थी? आई थिंक एक रीसेल पॉइंट है, एंड सेकेंडली डीजल के कंपैरिजन में काफी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम परचेज करने भी वाले थे तो काफी हवा थी कि गवर्नमेंट की तरफ से डीजल बंद होने की जो है कोशिश है, तो not taking any further risks, I think petrol was a better choice from a reselling perspective, from a running perspective also, काफी बेहतर choice है in comparison. But अगर अभी सोचिए अगर आपका पेट्रोल की जगह डीजल होती तो ये कि आपका फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा, रनिंग कॉस्ट जो वो होता वो बहुत बचा देती, आप कह सकते हैं, लेकिन सिमिलर कॉस्टिंग फिर आई थिंक आदित्य उसमें लग जाता है हमारा सर्विस में, क्योंकि सर्विस जो है वो दोनों की फर्क है, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 60,000 चल चुकी है आपकी। हाँ उसमें इतना मेरी रनिंग ज्यादा है। हाँ मेरी फर्स्ट चॉइस यही थी कि हम डीजल की तरफ जाएं, लेकिन लुकिंग एट द सर्कमस्टेंसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक पेट्रोल बाइंग अ पेट्रोल कार वाज मच बेटर देन अ डीजल। सीएनजी का तो ऑप्शन था ही नहीं उस समय, कोई भी कॉम्पिटिटिव में नहीं था उस समय, अब तो आ गया, ग्रैंड विटारा में भी आ गया, विटारा ब्रेजा में भी आ गया, शायद से मैक्सोन में भी आ जाएगा अब कुछ टाइम पे। ठीक है, तो मतलब अगर आप ये अगर किसी को ये गाड़ी लेनी हो तो आपको कहाँ कॉन्टेक्ट करें? दे कैन सिंपली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट का, हाँ वो आपको यहाँ पे आ जाएगा अभी आपको लिखा हुआ जी। हाँ तो इंस्टाग्राम में आप लोगों को, ज्यादा दिन नहीं है मेरे ख्याल, आज क्या तारीख हो रही है, ये भी वॉच गई मुझे लग रहा है, आज 1 तारीख है, और सर कब निकल रहे हैं? मैं 4 4 को सुबह जा रहे हैं, मतलब अभी 2 दिन बचे हैं, मैं कोशिश करूंगा आज शाम को ये वीडियो करके एडिट वगैरह करके लाइव कर दूं कल सुबह तक, तो जिसने वीडियो ने देखा होगा तो भाई वो देख लेना, अगर गाड़ी अगर ये सोनेट चाहिए हो साफ सुथरी गाड़ी तो वो आप इन सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल में जाके, और सर साथ साथ रिप्लाई दे देते हैं, फोन से चिपके रहते हैं। तो बाकी इस वीडियो को अभी इतने रखते, बहुत ज़्यादा ही लंबी हो चुकी जाता है मेरा आइडिया है, तो अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे को, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह आपको मिल ही जाएगा नीचे, और कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है। बाकी अभी के लिए रखते हैं, बाय बाय बाय, थैंक यू आदित्य, थैंक यू। हाँ एक और चीज़, अगर आपको इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम जो बोस का है वो सुनना है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, उसमें मैं रील बना के डाल दूंगा।
ठीक है।